हाँ, ये वाली मैंने रील डाली थी, इस पर किसने लाइक करा है? आर यू सीइंग दिस ब्रो? आर यू सीइंग दिस? केएसआई ब्रो, केएसआई नोज मोर हिंदी देन साउथ इंडियंस। केएसआई को भाई मैंने हिंदी सिखा दी, उसको अब सब आता है, गालियां वालियां सब आती है उसको। एक्सीडेंटल टैप ना मादर, ये हाँ, ये भी एक्सीडेंटल टैप है ना, ठीक है। इंडियन पेरेंट्स को ब्रो, हाउ इज ये पानी पे कैसे चल रहा है? जीसस बेटा, हम तो सुबह 6 बजे उठकर स्कूल जाते थे, पानी के ऊपर से, तलवारों के बीच से, कट्टों के नीचे से, भाई कितना फेंकते थे हमारे पेरेंट्स। मेरी मम्मी तो यूपी से थी, सो शी वाज प्रोबेबली नॉट इवन लाइक। किचन में गांजा छुपा के रखा था मम्मी ने, ये जो पीछे बच्चा है ना, अबे हटना सामने से, ये This is literally me. ये बच्चा probably Google कर रहा है adoption centers near me. आंटी का चटनी दे, आंटी का, अरे यार ऐट दे दो आंटी का कोई। अबे cringe नहीं है यार, this is kind of wholesome. तुम खुद से पूछो, मेरी family इतनी loving है क्या? मेरे इतने अच्छे relations है क्या अपनी family के साथ? No. किसी ने आंटी का वो तो दिया ही नहीं ऐड। स्मैश नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो नेक्स्ट मीम पे चला। गली क्रिकेट रोड, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रो, दैट्स माय काइंड ऑफ मीम। एंड द थिंग इज, वो गुटके का पैकेट है ना खाली होता था, उसको जमीन तक आने में इतना टाइम लग जाता था ना कि तुम 5 मुट्ठी मार लो। सबको रोल्स असाइंड था, तू बैट लाएगा, तू कॉस्को बॉल लाएगा, तू विकेट्स लाएगा, अगर नहीं मिले तो डस्टबिन को विकेट बना लेंगे, तू सेकेंडरी बैट लाएगा जो कि प्लास्टिक का होगा क्योंकि उसको कोई यूज नहीं करना, वो सिर्फ नॉन स्ट्राइकर के लिए, तू अपनी बहन को लाएगा जिसको देख के मैं फॉर्म में आ सकूं। अरे भाई विश्वास रख, हम तेरी बैटिंग, अगर तुमने पूरा दिन धूप में फील्डिंग करके बैटिंग नहीं मिलने वाला स्ट्रगल एक्सपीरियंस नहीं किया ना, तो तुमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगी। एक तो बहन ना गली क्रिकेट में है ना, सबको रिटायरमेंट वाला रूल कंपलसरी था, वरना सबके सब है ना अपनी गांड लेके ना विकेट को कवर करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गली क्रिकेट है। एथलेटिसिज्म तो चाहिए नहीं टीम में आने के लिए, नेशनल क्रिकेट तो है नहीं, आई मीन टू बी ऑनेस्ट नेशनल क्रिकेट टीम के लिए भी नहीं चाहिए आज तक। रोहित शर्मा भाई, गली क्रिकेट के अलग ही रूल्स होते थे, 3 बॉल का बेबी ओवर, 1 टेप, 1 हैंड कॉट, 3 वाइड बॉल, ओवर डिसमिस। आंटी, अरे यार तुम आंटी पर ही हो अभी तक। क्रिकेट देता है सबसे शुद्ध पानी, चल निकल। भाई मटके में पानी तो तुम लोग आरओ से ही डालते हो। घड़ा बेस्ट है ब्रो, इट कीप्स द वाटर एट परफेक्ट टेम्परेचर। अगर तुम डायरेक्ट आरओ से पानी निकालोगे तो वो बहुत गर्म होगा, अगर तुम फ्रिज से पानी निकालोगे तो बहुत ठंडा होगा, फिर तुम्हें उस आरओ के गर्म पानी से मिक्स करना पड़ेगा। घड़ा परफेक्ट वाटर टेम्परेचर, एंड मई जून के टाइम में तुम घड़े के पानी को फ्रिज के पानी से मिक्स कर लो, दैट्स गॉड वाटर, अमृत जल। बट मुझे क्या, मैं तो राजस्थानी हूँ, मैं तो ऋषु का मूत पीता हूँ। गर्ल्स आफ्टर बॉयज आफ्टर डिस्ट्रॉइंग यूएस, मैंने लिटरली ओजामा पे डांस, तू क्यों नाचा? गाने पे नाच रहा था मैं। अरे यार आई हैव सीन दिस, आज भी ये गाने बात आ रही है, दिस इज जस्ट सैड ब्रो। नहीं मतलब ये सोच क्या रहा था कि मैं लड़ निकाल लूंगा तो वहीं के वहीं ब्लो जॉब दे देगी। ओमेगल नहीं है ये, इसे असल जिंदगी में क्राइम कहते हैं। ये लड़का राजस्थानी और भेड़ का लोहा, क्या मुस्कुरा रहा है सूगले? अगर ऐसे किसी को लड़ दिखा दिया ना, फिर पुलिस को अपनी गांड दिखाने के लिए भी तैयार है। तारों का चमकता गहना हो। अच्छा ये तो जिसने मीम बनाई है उसका एट है, दिस इज काइंड ऑफ ट्रू। आजकल लोग यहाँ न्यूज से ज्यादा बूथ देखने जा रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहा मैं तो अपनी न्यूज ट्विटर और ओनली फैन से लेता हूँ। मैक्सी द सादा सा बिहारी नेहा, नीड दिस वांना बी डंग नंबर का 14, बाप मेरा लोटा लेके पटरी पे हगता। भाई लॉर्ड वीकेंड कम जीबी रोड के अश्नीर ग्रोवर ज्यादा लग रहे हैं। एक बात बताओ, ये बच्चा 9 महीने क्यों लगाता पैदा होने में? 9 दिन में क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा बस चले तो तुम 9 सेकंड में बच्चा पैदा कर लो। 9 सेकंड? हाँ क्यों नहीं, अभी करके दिखाता हूँ। आगे बंद रखो, आगे बंद, हिलो नहीं, हिलो नहीं। ए! हो गया ना 9 सेकंड में।
बाबूजी ने कहा शादी करा दी मेरी। एंड भाई फिर तुम्हारे बाप दादा कहते हैं आजकल की मूवीज में इतनी अश्लीलता और छोटे कपड़े। पुरानी मूवीज थी सबसे संस्कारी, सबसे इज्जतदार। मीनवाइल पुरानी मूवीज। तुम्हारा बस चले तो तुम 9 सेकंड में बच्चा पैदा कर लो। हो गया ना 9 सेकंड में? अरे मेरा राजा बेटा। बार बार क्यों देख? अरे यार मैं ठीक है ठीक है। When I see you again. भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड दिल्ली में कॉलेज कर रहा है इंडियन स्टैटिस्टिकल। बाय द वे मैंने अपने ब्लॉग में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को ISI बोल दिया था, पता नहीं लोग बार बार क्यों ऐसे बोल रहे थे। ऑफ कोर्स तेरा दोस्त ISI में भाई, लेकिन ये कहा गया ये ट्रू है। लाइक तुम अगर 10th 11th में हो ना, तुम्हारे सामने ना सब लोग ऐसे करेंगे चुपचाप कि हम लोग है ना कनेक्ट में रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं 50 60 70 लोगों का, लिटरली फेयरवेल होते ही 2-3 महीने के बाद एक एक करके सब लीव कर देंगे, सबके सब लीव कर देंगे, सब तुम्हें छोड़ के चल जाएंगे, सिर्फ एक दो जने रह जाएंगे। आई एम सॉरी बट आई एम बीइंग रियल एंड आई रियली वांट टू नो कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर ऐसा कुछ ये वो है ना सर्बिया किलर वाली। रियली वांट टू नो कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर ऐसा कुछ इंडिया में हो। सो फॉर कॉन्टेक्स्ट ये बेसिकली एक सर्बिया की किलर है, ये ऐसी रात को रोड्स पे डांस करती है एंड जो भी इसको डांस करते हुए देख लेता है ये उसको नाइफ से जान से मार देती है। सो इसने पूछा था कि इंडियंस को दिखे तो इंडियंस कैसे रिएक्ट करें। भाई मैं बताता हूँ क्या होगा, अगर ये साउथ इंडिया में होता है तो उसको बीच ट्रैफिक कोई ऑल्टो से उड़ा देगा, और अगर ये नॉर्थ इंडिया में होता है तो इसकी अगले दिन कैंडल मार्च निकल जाएगी। आई डोंट इवन कमेंट दैट्स डार्क ब्रो, इसका बॉडी काउंट सेक्स वाला नहीं है। एंड डांसर, हाँ बाय द वे दिस इज ऑल्सो सो ट्रू, इसके मूव्स कितने घटिया है। ये कहाँ हाथ डाल रही है? Now, this is not fair, bro. If a girl rubs haldi on her female friend's chest, that's okay. But if I rub haldi on my male friend's balls, that's gay. Nursery teacher explaining. अरे फिर राजस्थान की भी आ गई। तो suppose आप एक fitness product या आप एक chocolate हो या आप एक गाड़ी हो, तो गाड़ी वाले को पता है या platform को पता है? Bro, this guy is so high on drugs. By the way, पंजाब है ना फालतू में बंदा में ड्रग्स के लिए। मुंबई इज द मोस्ट ड्रगियस सिटी। कैजुअली ऐसे एमडी की बातें करते हैं ना यहाँ पर, तुम लाइक उबर ओला में भी बैठ जाओगे ना, कैब ड्राइवर बात कर रहा होगा और एमडी कितने बजे आ रही है? एमडी, हाँ एमडी क्वेश्चन मार्क, एमडी एमडी, तुम्हें एमडी नहीं पता क्या? सब लोग एमडी क्वेश्चन मार्क क्यों लिख रहे हैं? कुछ नहीं भाई, मैं तो क्रिस एमडी की बात कर रहा था। सुसाइड कंपलसरी है। थिंक आई हैव हर्ड दिस समवेयर। मैंने बस इतना ही शुरू के दो वर्ड ही सुना था। सुसाइड कंपलसरी है, हैं? हाँ। लेकिन मर्डर भी हो सकता है, है सर? हाँ, मर्डर भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। ब्रो दिस इज माय थेरेपिस्ट व्हेन माय क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन। सुसाइड कंपलसरी है, मतलब सबको खुद को मारना है, सिर्फ खुद को तीर मारना है, जैसा लिखा भैया क्या? सबको मतलब सबको, किसी एक को भी नहीं छोड़ना है। बट सर मैं तो इंटीग्रल्स पढ़ने आया था। मतलब ओनली सुसाइड। ये क्या कोटा वालों का ओनली फैंस है क्या? ओनली सुसाइड क्या बना लिया भाई? बुरारी फैमिली एक्सप्लेनिंग द पीओवी हर रेड। आई थिंक आई हैव सीन दिस। इनका इन सबका हस्बैंड डॉगी एंड द कॉकरोचेस वाले का जैक है। खुश खबरी काहे की खुशखबरी? ये तो खुशखबरी है। जेंडर रेशियो 2022, 917 फीमेल बर्थ पर 1000 मेल। हरियाणा लिटरली रेशियोड मुंबई एंड हरियाणा की, फिर भी तुम इतनी गप करते हो। एक्चुअली ये ना परफेक्ट। कब आया था? 9th 10th में आया था मेरी। मैं नॉस्टैल्जिया हो जाएगा मुझे बहुत बुरा वाला। तेरी 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 गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे ना बांस की। भाई किसी ने आज तक इतने सुरीले टोन में गाली नहीं बकी होगी। द बीट ड्रॉप हेयर। गांड में डंडा दे, गांड में, ऐसा लगता है सही में आ गया गांड। I don't know what you're talking about. This actually is Bihar. I mean, it's all right. Like, it's the biggest piece of dog shit.
Who actually? Okay, छोड़ो. The thing is, ऑल्ट बालाजी के वीडियोस है ना, कोई भी ऑल्ट बालाजी पे नहीं देखता, वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं. ये तो मुझे पता ही नहीं क्या है. Am I uncultured? Overrated as fuck. तुम इसको overrated बोल रहे हो, but तुम सब use तो यही करते हो ना. तुम है ना ऑल्ट बालाजी के वीडियो यहाँ पे जाके देखते हो. By far, nothing even comes close. Reddit. It was perfect. Down to the last minute detail. अबे क्या काम वाली बाई पे हिला रहे हो क्या तुम? ये वो है ना रेट वाली. How does it matter? It's not trending. Yeah. Phone is the phone, right? Phone is the phone, but it's not trending. Right? और हमें जाने की अनुमति. भाई मुझे तो इतना रो धोके है ना, अपनी मम्मी से सेकंड हैंड आईफोन 3GS मिला था. कितने का था? 3-4 हजार का. इतना रो धोके मिला था ना भाई वो, और उसी को मैंने कम से कम 4-5 साल तक यूज करा था. एंड बाय द वे, इफ यू डोंट नो, आईफोन 3GS, अगर तुमने आईफोन 3GS को जेल ब्रेक कर लिया ना, दैट इज द ग्रेटेस्ट फोन ऑफ ऑल टाइम. उससे तुम कुछ भी कर सकते हो. तुम उससे मिलिट्री फोर्सेस के बॉम्ब कंट्रोल कर सकते हो. जेल ब्रेक वॉज ओपी. जेल ब्रेक का कोई फायदा ही नहीं है. सबने एप्पल ने सब ऑलरेडी पैच कर लिया, बट ये है तो वही ना रेट वाली. आई डोंट नो व्हाई इट सीम्स स्क्रिप्टेड, बट ओके. इसपे सब कहीं देखा था और सब इस पे बैट्स लगा रहे थे. ये वाली मेरी, ये वाली मेरी, ये वाली मेरी, ये वाली मेरी. This fine specimen, I want him. They are all underage. Well, मैं तो safe हूँ, मुझे तो ये चाहिए. Gota students choosing their way of transport to get home. Skip. But when does this game get fucking good? Okay. At least seat तो मिल गई ना. React to Princess Diana. क्या? रमजान के महीने में हराम करवाओगे क्या? Should I spice Princess Diana? मैडम आपके पैंटीज दिख रहे हैं. मैं तो बॉस पे देख रहा था. ये मुझे नहीं करना, मुझे इसकी क्लिप्स देखी है. स्पेशली इन रमजान ब्रो. मेरे से 10 साल ले लो, मुझे इस कमरे में डाल दो. Bro down horrendous. अबे वो तो वीडियो की वजह से है. Kinda be low, he gon' hit on my ass. Bitch is slow, so I give him my pass. And I just fell. Oh my God, just kiss already. So he put my name in a tap, but I don't let him come to the. Juicy watermelon, 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 watermelon. Nervous sweat, nervous sweat, nervous sweat, nervous sweat. Actually no. भाई ये नहीं पसंद आई तो क्या चाहिए इनको? Now I am safe.